सामने पिएंगे उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा, उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के सामने शराब पी। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की अनोखी सलाह चर्चा में आ गई है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए घर की माताएं और बहनों को सामने आना होगा। पत्नियां अपने पतियों को घर पर शराब पीने के लिए कहें ताकि शर्म के कारण वह धीरे धीरे नशा करना छोड़ दें। सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को भोपाल में नशा मुक्ति अभियान के तहत जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, शराबबंदी करने पर भी पीने वाले मानते नहीं हैं, इसलिए अभियान के माध्यम से शराब छुड़वा सकते हैं। इसमें घर की माताओं बहनों को सबसे बड़ा योगदान देना होगा। पत्नी अगर चाहे तो अपने पति की शराब बंद करवा सकती है। इसके लिए सबसे पहले पति को समझाना होगा कि बाजार में दारू न पीकर घर पर आकर पियो। फिर जब घर में पत्नी या बच्चों के सामने शराब का सेवन करेंगे तो उन्हें शर्माने लगेगी। उन्हें यह भी बताएं कि पिता के देखा देखी बच्चे भी बड़े होकर शराब का सेवन करने लगेंगे। यह सुनकर धीरे धीरे पतियों को शर्म आएगी और उनका शराब पीना बंद हो जाएगा। कि मेरा पति दारू न पिए, पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं मत पियो, आप तो ले आओ वो खाना खाओ मेरे सामने पियो, सामने पिएंगे उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा, उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के सामने शराब पी रहा हूं। उसे वो भी कहानी है, वो भी बातें बताएं कि तुम्हारे बच्चे आगे शराब पिएंगे, शराब बंद पीने वालों की हालत होगी, शराब उसकी बंद होगी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वो शराब छोड़ेगा, उसकी स्थिति सारी सामने आएगी। इसमें माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं ऐसा मानता हूं कि माता बहनें भी इस काम में जुटे, टोलियां बना करके जुटे, अभियान चला करके जुटे, ये मेरा अनुरोध है।